पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, चंद्रयान 2 की लैंडिंग जरूर देखें। दिल्ली सरकार नहीं मानती कन्हैया को देशद्रोही, केस चलाने की नहीं देगी अनुमति। जेएनयू की पूर्व छात्रा शहला रशीद पर देशद्रोह का केस दर्ज, सेना के खिलाफ झूठी बयानबाजी का आरोप। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, नोटिस भी चस्पा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे खड़ी ट्रेन में लगी आग, जली चंडीगढ़ कोची वैली एक्सप्रेस की बोगी। चंद्रयान 2 को लेकर पूरा देश उत्साहित है, देश गर्व के उस पल को बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 7 सितंबर की रात 1:55 पर चांद की धरती पर भारत का स्पेस क्राफ्ट चंद्रयान 2 उतरने वाला है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रात में चंद्रयान 2 की लैंडिंग का साक्षी बनने के लिए बेंगलुरु में इसरो के सेंटर में वैज्ञानिकों के साथ मौजूद रहेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक पल में देशवासियों को गवाह बनने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है और देश के लोगों से अनुरोध किया है कि सभी देर रात चंद्रयान 2 की लैंडिंग देखें। इस दौरान अपनी तस्वीर क्लिक कर ट्वीट करें। पीएम मोदी का कहना है कि वो उन तस्वीरों को रीट्वीट करेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से कन्हैया कुमार को बड़ी राहत मिल सकती है। केजरीवाल सरकार दिल्ली पुलिस की उस मांग को खारिज कर सकती है जिसमें जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और बेगूसराय से लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार रहे कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। कन्हैया कुमार को लेकर 18 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल सरकार मानती है इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जो सबूत पेश किए हैं उनके आधार पर देशद्रोह का मामला नहीं बनता। आपको बता दें कि 9 फरवरी साल 2016 में कन्हैया कुमार समेत कुल 10 छात्रों पर जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने का आरोप लगा था, जिसके बाद हुए काफी हंगामे के बाद कन्हैया कुमार को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा और कश्मीरी नेता शहला रशीद के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। शहला रशीद पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय सेना को लेकर फेक न्यूज फैलाई है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के वकील अलक आलोक श्रीवास्तव की शिकायत पर FIR दर्ज की है। ट्वीट की एक सीरीज में शहला रशीद ने दावा किया था कि भारतीय सेना गलत तरीके से कश्मीर में पुरुषों को उठा रही थी, घरों में छापे मार रही थी और जम्मू कश्मीर में लोगों पर अत्याचार कर रही थी। शहला रशीद ने दावा किया था कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए कश्मीर में मानवाधिकार का हनन कर रही है। वहीं सेना की तरफ से कहा गया कि शहला ने जो आरोप लगाए हैं वो आधारहीन है और सेना उन्हें नकारती है। सेना ने कहा कि ऐसी असत्यापित और झूठी खबरें असामाजिक तत्वों और संगठनों द्वारा लोगों को भड़काने के लिए फैलाई जाती है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद आजम खां के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी हुआ है। इस बात की पुष्टि रामपुर SP अजय पाल शर्मा ने की। आजम खां के घर के बाहर CGM कोर्ट का नोटिस भी चिपकाया गया है। इस नोटिस में आजम खां को 11 सितंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। वहीं रामपुर की जिला अदालत ने आजम खां को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। फिलहाल आजम खां कहां है कोई नहीं जानता, लेकिन उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। उनके परिवार के लोग और समाजवादी पार्टी के नेता सत्ताधारी BJP पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन BJP नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार यानी आज दोपहर बड़ा हादसा हुआ।
यहां प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़ी चंडीगढ़ कोची वैली एक्सप्रेस की बोगी में आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। ये आग ट्रेन की पावर कार बोगी में लगी थी। हालांकि अब ट्रेन को हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के लिए रवाना कर दिया गया है, जहां पर पावर कार बोगी की मरम्मत की जाएगी। शुक्रवार दोपहर 2 बजे के करीब इस ट्रेन की 2 बोगी में भीषण आग लगी थी। आग इतनी भयंकर थी कि ट्रेन से काफी ऊंची लपटें उठ रही थी। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस घटना पर ट्वीट किया। पीयूष गोयल ने लिखा कि दिल्ली में चंडीगढ़ कोची वैली एक्सप्रेस की पिछली पावर कार में आग लगने की घटना हुई है। फायर ब्रिगेड द्वारा मौके पर पहुंच आग पर काबू पा लिया गया है। वरिष्ठ अधिकारी घटना स्थल पर हैं तथा स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है।